आज हो गया हमारा 75 डे हार्ड चैलेंज का 11वां दिन। बाकी पसीने से हालत देख सकते हो किस तरह से हो रही है। तो भाई तो अभी तक मैंने जो है पुशअप मारे, और सबसे पहले तो वार्म अप किया, बेसिकली वार्म अप ही करता हूँ पहले तो बॉडी को वर्कआउट करने के लिए, शेप में लाने के लिए। तो बाकी अभी कुछ ही पुशअप मेरे कंप्लीट हुए हैं, दो ही, एक नॉर्मल एक डायमंड, और पसीने से हालत ख़राब हो चुके हैं। तो बाकी आगे करते हैं पुशअप मारते हैं, और कौन कौन से पुशअप मारता है ये भी मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, या फिर पुशअप कंप्लीट करने के बाद बताता हूँ। तो भाई हो चुका अपना पुशअप वगैरह जो भी हम करते हैं सारे पुशअप कंप्लीट। आगे अभी मसल का वर्कआउट रह रखा है, और पापा का फ़ोन आ गया था तब तक ही, तो पापा से बात की मैंने। तो बाकी अभी करता हूँ मतलब कौन सा वार्म अप मैं करता हूँ और कौन कौन से पुशअप मैंने मारे वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो वार्म अप की बात करेंगे, तो सबसे पहले वार्म अप कौन सा किया मैंने बताता हूँ। तो बाकी सूरज भी डूब चुका है भाई। तो सबसे पहले कौन सा किया मैंने, ये वाला कि तो स्पीड पे करके बताता हूँ, जैसे मैं करता हूँ इसके रेपिटेशन में 100 लगाता हूँ। तो ये हो गया पहला, जो कि मैं 100 रिपीटेशन लगा दूँ 50-50 करके। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है भाई कौन सा, पीटी, तो जो कि मतलब किसके लिए बेस्ट है, बैक मसल के लिए। तो वर्कआउट मतलब वार्म अप की जगह वार्म अप हो जाएगा, और बैक मसल का वर्कआउट भी हो जाएगा। तो टी शर्ट उतारता हूँ फिर बताता हूँ। तो भाई पहले तो पैरों को इस तरह से किया, ओके। तो आप देख सकते हो साइड से इस तरह से बैक निकल रही है, जिससे हमारे बैक मसल जो है चौड़ी हो जाएगी, और वार्म अप भी हो जाएगा। तो इसे भी मैं करता हूँ 100, तो एक बार फिर से करके बता दूँ। तरह से मैं करता हूँ ये वाला। बाकी आज हमारे 11वां दिन 75 डे हार्ड चैलेंज। और दूसरा कौन सा, पुशअप मारता हूँ मैं, और पुलअप मारता हूँ तो पुलअप तो बैक मसल के लिए मारता हूँ मैं, तो ऑब्वियसली बैक मसल को सबसे बेस्ट वर्कआउट है पुलअप। तो बाकी कौन कौन से पुशअप मैं मारता हूँ तो वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले मारता हूँ मैं नॉर्मल पुशअप, तो ये हो गया नॉर्मल पुशअप। तो अभी कौन सा पुशअप मारता हूँ जो कि हमारे बैक मसल के लिए बहुत तगड़ी है, चेस्ट के लिए भी, जिससे हमारी चेस्ट जो है बाहर आती है भाई। तो इस तरह से पोजीशन लेनी पहले तो। तो ये है भाई तीसरा पुशअप जो मैं मारता हूँ, जो हमारी बैक मसल के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो बाकी दूसरा कौन सा है वो भी बताता हूँ। तो ये है तीसरा पुशअप कौन सा है, मतलब चौथा। तो भाई चौथा पुशअप ही है, क्या है पता नहीं, बट मैं मारता हूँ। तो ये है भाई चौथा पुशअप, पुशअप कह लो कुछ भी कह लो, बट ये मार दो मैं, इसमें भी हालत ख़राब हो जाती है भाई। बाकी दूसरा कौन सा है, सपाटी की प्रैक्टिस जो होती है तो वो भी रह रखा है। तो वो है मतलब सारे 60-80 साइड में लगाता हूँ। तो बाकी सपाटा भी मार के बताता हूँ, और सपाटी की प्रैक्टिस जो होती है जो मैंने खुद से भी की है, और उसी की बदौलत जो है सपाटा मैंने सीखा है।
सकते हो भाई कौन सा मैं मारता हूँ। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये है भाई किसका है मसल का वर्कआउट जो कि मैंने बहुत ही तगड़े तरीके से किए, इसी तरह से निकल भी रहा है। तो बाकी मैं बताता हूँ सपाटे की प्रैक्टिस। ओके तो इस तरह से पैरों को भाई घुटने की बिल्कुल सामने लाने है, इस तरह से भी दिखाता हूँ इस तरह से। ओके ये है भाई सपाटे की प्रैक्टिस। तो दूसरा भी है, दूसरा स्टेप भी बताता हूँ आपको। तो दूसरा वाला स्टेप है तो ऐसे इस तरह से हाथों को रखना है सामने जैसे मैंने पहले रखा था। अभी ये है भाई दूसरा जो कि सपाटे की प्रैक्टिस में काम आता है। ओके तो इससे पहले शायद मैंने बताया था जो बैक मसल के लिए मैंने कहा था, तो दोनों में मतलब ये काम आता है भाई। आप भी बताते फूल सपाटा करके तो पूरा सपाटा किस तरह से मारते हैं फिर लगाते हैं। पूरे सपाटे में पैर जो है आगे पीछे चलना चाहिए, जंप नहीं करनी चाहिए। कुछ लेके बताता हूँ मैं किस तरह से, इस तरह से उठानी नहीं जिस तरह से मैंने आगे को उठाए। ओके ये है भाई सपाटा। तो सही से जो मतलब मार दें अगर आगे जाती हूँ गर्दन भी ऊपर जानी चाहिए इस तरह से और पैर भी आगे पीछे इस तरह से। तो ये था भाई फुल सपाटा। और जो दूसरा सपाटा है जो कि हाथ पे टच करना होता है पैरों मतलब पैरों को हाथ पे टच करना होता है जंप मार के, वो तो भाई अपने को भी आता नहीं है ना ही उसकी प्रैक्टिस करती, तो उसको भी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा जिससे हम फुल सपाटा जो होता है सीख पाएंगे। तो मिलते हैं सीधा मतलब दूसरा कौन सा वर्कआउट करता है मसल का तो वो भी बताता हूँ कौन सा मतलब मैं करता हूँ और कितने कितने रेपिटेशन लगाता हूँ इन सभी के। लगा तो मैं 60 से 80 के बीच में, तो इससे ज़्यादा कम चांस नहीं है, यही फिक्स है अपना। तो बाकी कौन सा मैं वर्कआउट करता हूँ ऐब मसल के लिए जो कि 6 ऐब के लिए मैंने भी बताया था। तो भाई सबसे पहले तो अपनी दर्री बिछा दी मैंने, मैट जो भी है। तो पैरों को कुछ इस तरह से आगे और हाथों को बिल्कुल देखो सामने से बताता हूँ इस तरह से। ओके दूरी बना के रखनी है हाथों से। तो ये रेपिटेशन लगाता हूँ मैं कितना, तो ये मैं लगाता हूँ पूरा 50-50 करके 100 कंप्लीट करता हूँ जिससे अपनी साइड के जो है मसल है भाई वो भी इम्प्रूवमेंट होगा और आगे का भी होगा। दूसरा जो है कौन सा है तो दूसरा भाई मैं करता हूँ इस तरह से लेट के और 1 5 7 10। तो इसमें सबसे जो मीन जो बंदे गलती करते हैं वो क्या करते हैं इस तरह से निकलना होता है, इससे मैं बॉडी को पूरा इस तरह से इस तरह से इस तरह से जिससे हमारी बैक जो इस तरह से देखो यहाँ पे ये कटआउट पड़ रहे हैं।
इस तरह से। और जो दूसरा मैं करता हूँ वो भी मैं बताता हूँ। ये ले ली मैंने बोतल बोतल, तो मैं इस बेंच के ऊपर लेट जाता हूँ, बाकी अभी यहीं पर करते हैं आराम से। ये मतलब एक डंबल हो गया सपोज, कुछ वेट हो गया, तो अगर ये ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो पैरों को कुछ इस तरह से करना है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाथों को टच करना है यहाँ यहाँ। तो स्टार्टिंग में मेरे को यही बहुत हैवी लगता था, उसके बाद मैंने डंबल स्टार्ट किया हाथों पे रखना, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो डंबल का भी हैवी हो जाता है और इससे जो है एक्स्ट्रा वेट मतलब हम गेन करते। और तीसरा जो मतलब चौथा जो बोल सकते हैं हम, तो कौन सा बेस्ट अगर आप करते हो जो पूरे मसल के लिए होता है, यहाँ की साइड के लिए और बीच के लिए भी, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये गया बस। मतलब ये हो गया बेस्ट वर्कआउट है मसल के लिए। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई भाई, तो दिन भर से मतलब वर्कआउट कर रही है, एक आधा घंटा हो गया, ज़्यादा हो गया 1-1.5 घंटा, और बॉडी पूरी गर्म हो चुकी है। ऊपर से बना रहे वीडियो, वो भी टी शर्ट निकाल दी। तो अभी जो है बैक मसल के लिए कौन सा वर्कआउट करता हूँ वो भी बताता हूँ। अभी जो बेस्ट वर्कआउट है किसके लिए, तो वो है बैक मसल के लिए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तो जो है वो पुलअप ही है। अगर बैक के लिए आपने बैक को मतलब इम्प्रूवमेंट करना है बैक पे, तो बताता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले अपनी साइड की हाथों से इस तरह से पकड़ना भाई, इधर को जो भी है भाई पाइप वगैरह जो आपने लगा रखा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपने करना है। जैसे आपने देखा होगा अपने बैक मसल पे कि इम्प्रूवमेंट बढ़ जाएगा। तो इस तरह भी बताता हूँ मैं किस तरह से आगे से हाथ किस तरह से यहाँ खुल रही। तो देख सकते हो आप। और दूसरा जो है मैं ऐप मसल के लिए करता हूँ पीछे के मतलब बैक मसल के लिए, इतना हैवी वेट है नहीं ये, बट ये वेट हैवी होना चाहिए अगर आपके पास हो। इस तरह से एक चीज को आगे, और इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इसमें ये होता है कि पूरा जो हमें इसको पूरा लूज करना होता है आगे को, और पूरा प्रेशर करने होता है ऊपर यो मतलब लाना होता है। तो इससे हमारा बैक मसल जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और तीसरा कौन सा है जो मैं बैक मसल के लिए करता हूँ, तो तीसरा वाला कौन सा है, इसे रखा यहाँ पे स्टूल को, और ये अपने देसी जुगाड़ लगा के मैंने बना रखा है, इसे बैठ जाते स्टूल पर बताता हूँ। तो ये है भाई बैक मसल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। तो इसके बाद भी मैं करता हूँ वो कौन सी है, सबसे पहले इन दोनों को करते साइड। ओके, तो स्टूल को पहले सही से लगाता हूँ मैं इस तरह से, इसलिए पीछे का रीजन ये है कि पीछे से टूट रखा है, गिरने का खतरा है इसमें। इस तरह से पकड़ा इसको
और अभी घर से इसको आगे के तो बिल्कुल ऊपर। इसमें ये होता है कि पेट को पूरा ऊपर करके धनुष टाइप का बना लेते हैं शरीर को। गिर गया था भाई, इन सभी के रेपिटेशन लगा था हमें। ये वाला जो मैं भी लगा रहा था इसके लगा दो हमें 60, इससे पहले जो मैंने लगाया ये वाला इसके भी लगा दो 60, और जो मैंने अभी लगाया ये उठाने वाला उसके लगा दो हमें 100, 50-50 करके। तो बाकी ये हमारा कम्प्लीटली वर्कआउट, तो पुशअप तो मैंने लगा दिए, बाकी पुलअप रह रखा है और ये वाले रह रखे और है मसल के लिए भी रह रखा है, तो वो सारे कर दो कम्प्लीट। बाकी 7 बजने वाले, अंधेरा होने वाला है, तो बाकी दूसरा भी जो है बाइसेप के लिए, ट्राइसेप के लिए, तो जल्दी से घर के अंदर हो लगाती 1000 रेपिटेशन उसके, 1000 लगा तो मैं, तो कर दें वर्कआउट स्टार्ट और मिलते सीधा घर के अंदर। 10 बाकी, तो जय बोले बाबा भाई। बाकी 7:30 हो चुकी है और वर्कआउट भी कर दिया मैंने पूरा फिनिश, तो अभी मैं छत के ऊपर ही हूँ, तो देख सकती हूँ भाई। तो अभी चलते सीधे घर के अंदर और बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट भी करते 1000 रेपिटेशन, तो चलते घर के अंदर, तो बाकी मिलते सीधा घर के अंदर। तो फाइनली अभी हो चुका 7:40, बाकी मैंने अपने सॉक्स जो है जुराब धुले भाई, कल काम पे गया था तो मिट्टी से खराब हो चुके थे वो, बाल भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं भाई, स्टाइल वाला लुंडा बन रहे हैं, स्टाइल जाएगी बाढ़ में, काट देंगे भाई बारीक करेंगे बारीक। तो भाई अभी वर्कआउट करने के बाद हमारी बॉडी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, और डंबल सेट अभी रह रखे हैं तो वो भी करते अभी 2000 कंप्लीट, 1000 के सेट रेपिटेशन जो होते हैं कंप्लीट कर दे भाई। तो कर दे डंबल सेट कंप्लीट, भूख भी लगी है बहुत तगड़ी वाली। वर्कआउट शुरू करने से पहले, मतलब डंबल सेट कंप्लीट करने से पहले जो है भाई, उससे पहले पीते पानी, पानी वाला टास्क करते। वैसे पानी तो मैंने बोतल ऊपर ले जा रखी थी वर्कआउट करते समय, तो 2 लीटर पानी तो पी लिया होगा, उससे ऊपर ही पिया आज, पानी कम पिया नहीं है भाई। तो अपना गिलास है भाई स्पेशल, तो ये हो गया भाई गिलास अपना स्पेशल। ओके करंट आएगा भाई मुंह पे भाई, चेहरे देखो पानी पीने का मन नहीं है भाई, क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज। तो करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। तो भाई अभी कंप्लीट हो चुका है 1000 डंबल सेट, तो ये वाला डंबल सेट मैंने कंप्लीट किया, ये मैंने किया पूरा 1100, ओके ये निकल गया, ये ड्राइव बाकी 1000 डंबल सेट करने के बाद थोड़ी किस तरह से दिखाई दे रही है वो भी देखते हैं। तो रिंग लाइट लगाते हैं यार, जिससे देखते लाइट दिखाई
बाकी दूसरा वर्कआउट स्टार्ट, जो कि कौन सा हम लगाएंगे जी, दूसरा वाला लगाएंगे। तो मिलते हैं उसके बाद सीधा बॉडी का बॉडी कंडीशन दिखाते हैं। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हो नशे वगैरह काफी तगड़ी दिखाई दे रही पहले से। तो भाई हालत बहुत ही खराब हो चुकी है भूख के मारे, शरीर भी टूट चुका आज पता नहीं क्यों। तो सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है बैक मसल पे, क्योंकि मैंने कैसे कर रहा था इसको हजार का रेपिटेशन बताई ये वाला। ओके तो हजार हो गई है कंप्लीट हालत बिल्कुल खराब। तो ये है भाई वर्कआउट के बाद की कंडीशन, बाकी खाना भी बन चुका है और अपना तो एक ही है जो हम रोज़ बनाते हैं अपना रोज, तो क्या चने भी हो रखे थे और उसके साथ सोयाबीन मिक्स करके, तो वो खाते हैं भी भूख के मारे, वैसे भी बुरी हालत हो चुकी है। तो बाकी खाते हैं उसके बाद बाद। तो ये है भाई अपना डाइट में मैंने बना रखा, वैसे काफ़ी सारा था पर कुछ घर वालों के लिए भी रख रखा है, वो बोलेंगे कि अकेला खा रहा है भाई इतना। देख सकते हो भाई नस किस तरह से हो रही है, नसें मेरे को भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नशा हो गया मेरे को भी, क्योंकि थक चुका हूँ बहुत ज्यादा। तो जल्दी से खा लूंगी, तो चलिए मैंने वर्कआउट करते समय ही बेगूने डाले थे तो थोड़े कच्चे हैं, सही है भाई कच्चे चने ना वैसे पका के खाने में कच्चे में खा के अंदर है, कच्चे में सुबह खाने चाहिए। तो भाई 75 डे का हार्ड चैलेंज आज का था 11वां दिन। तो ये है बॉडी कंडीशन, कल के वीडियो में बाकी अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते सीधा कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत जय श्री राम।